पूरे परिवार ने एक बेनती लिख के दी है सानू के, और इन्हों की बेनती सी कि मालिक जी संगत को जरूर दस्यो, इस करके उठ के खड़ जाए। इन्होंने बेनती लिखी है और जो इन्हों की बेनती लिखती रूप में साढ़े को पहुंची है, तो सत्संग शुरू करने तो पहले से क्योंकि इन्हों की बेनती है कि संगत को जरूर दस्यो, सो तुहानू हुण दस के इन्हों की बेनती पूरा कर लगे हैं। सो इन्होंने लिखा है जय मालकां दी, मालक जी तुहाडी बहुत रहमत है, शुक्रिया तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया इन्नियां रहमतां करन लई। मालक जी ये रहमत तुसी संगत नूं जरूर दसना। मालक जी साडे घर तुसी धी दी दात बख्शी है, जदों ये पैदा होण वाली सी तां डॉक्टरां ने जवाब दे दिता सी कि तुहाडा बच्चा तंदुरुस्त पैदा नहीं होवेगा, तुहाडा बच्चा तंदुरुस्त पैदा नहीं होवेगा, वो अंगहीन होवेगा, यानी कोई ना कोई उहदे च कमी होएगी, उस दियां स्कैना ठीक नहीं आउंदियां सी। फिर दूसरी जगह दूजे डॉक्टरां नूं दिखाया तां पाहवा हस्पताल, पाहवा हाँ पाहवा हस्पताल होना भी लुधियाने दे विच, उत्थे दिखाया तां डॉक्टरां दा कह डॉक्टर तां कहण लग गए तुसीं हुणे ही अबॉर्शन करा दिओ क्योंकि बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे दे अंग सही नहीं बन रहे, ओ बच्चे दे अंग ने सही नहीं बन रहे तो वह दिमागी तौर पर भी ठीक नहीं होगा। पर मालिक जी सानू तुहाडे ते विश्वास सी, असी तुहाडे अगे फरियाद की तो तुसी सानू रहमत दिती, तो एक ही गल कही कि अंग बनाना डॉक्टरां दा काम नहीं, उस मालिक दा काम है। तुसी फिक्र ना करो, तुसी कहा कि अंग बनाना डॉक्टरां दा काम नहीं, उस मालिक दा काम है, तुसी फिक्र ना करो, तुसी फिक्र ना करो, मालिक दी रहमत तुहाडे नाल है। ते असी उस दिन तो सारी फिक्र छड्ड दित्ती, अच्छा कीता जे फिक्र छड्ड दित्ती, क्योंकि फिक्रां नूं खत्म करनी तां आए हां असी, समझ दिओ। फिर मालिक जी इन्नी रहमत होई जदों बच्चे ने जन्म लिया तां डॉक्टरां ने कहा कि बच्चे नूं दूसरे हस्पताल विच भेजना पैना है, वड्डे ऑपरेशन नाल बच्चे का जन्म होया सी। उन्होंने बच्चे नूं मशीन विच रखिया, जदों तीसरे दिन असी दरबार ते लैके गए, तुसी क्या फिक्र ना करो, बच्चे ते बच्चे दी मां दोनों ठीक हन। जदों असी वापस हस्पताल आए तो डॉक्टर ने कहा कि तुहाडा बच्चा भी ठीक है, बच्चे की मां भी ठीक है, तुसी दोनों नूं घर लैके जा सकते हो। फिर मालिक जी इन्नी रहमत हुई कि बच्चे नूं भी तो बच्चे की मां नूं भी छुट्टी दे दित्ती, वह बिल्कुल ठीक हन। मालिक जी अज वो बच्चा भी इत्थे, कित्थे बच्चा, और बच्चे की मां इसलिए इत्थे कि घर ही है, वह खड़े है हुण, देखो बच्चे के अंग भी देख लो तुसी, बच्चे के हाथ पैर भी देख लो, क्योंकि डॉक्टर कहते थे अंगहीन होना है, इहदा ब्रेन नहीं काम करेगा और इहदी बॉडी के पार्ट सही नहीं बन रहे, इस करके अबॉर्शन करा दिओ। पर असी क्या अबॉर्शन नहीं कराना, मालिक की रहमत से यकीन रखो कि मां अपने पेट से हाथ रख के एक ही कहे कि मेरे बच्चे नूं बनाने वाला मेरा मालिक मेरे, क्योंकि डॉक्टर तो अपने हॉस्पिटल बैठे होंगे और रब की रहमत तो कुदरत ही सानू अंदरों बनाती है, सानू जीवन दिंदी है, और जेड़ा सानू बना सकता सानू बिगड़िया ठीक भी वो कर सकता है। बस जरूरत होंगी है कि असी विश्वास किस पर करना है, डॉक्टर की रिपोर्ट पर या अपने उस मालिक से, क्योंकि जिधर साड़ी विश्वास की तार जुड़ेगी फिर रहमत भी उधरों आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए परिवार धन्यवाद करता है, शुक्र करता है। तो इन्होंने भी गल दसी सी कि जदों डॉक्टर ने अबॉर्शन कराने कहा सी तां कहिंदे असी अबॉर्शन नहीं कराना, सानू अपने मालिक ते विश्वास है, तो डॉक्टर ने कहा जे तुहाडा बच्चा सही सलामत होवे ना सानू दिखायो लिया के, क्योंकि असी नहीं यकीन कर सकते कि बच्चा सही सलामत पैदा होएगा, तो दिखाया कि नहीं डॉक्टर नूं, जाके दिखा दे फिर कि आ साडे मालक कर सकते हैं, क्योंकि इन्हां दा कहना है कि डॉक्टर ने कहा जे बच्चा सही सलामत होया सानू जरूर दिखाओ, तो दिखाना चाहिए तुहानू ले जाके, उस स्कैना भी लै जाओ तो बच्चे भी लै जाओ कि तुहाडी स्कैन की कहती है, तो मालिक की रहमत की कर सकती है देख लो। इसलिए तो असंभव ही संभव होंदा है अगर इंसान अपने उस
मालिक ते यकीन रखता है, क्योंकि सबका मालिक एको ही तो है। बस ये इंसान ही नावों लैके झगड़िया च पिया होया है, पर असी सारे झगड़े खत्म करने हैं और सच्चाई नू समझना है कि सानू सब नू जिंदगी देने वाला साडा मालिक साडे और सबका मालिक, क्योंकि एक पिता एको ही तो है साडा सारे का पिता, सानू जीवन देने वाला जिंदगी देने वाला। इसलिए पहराव्या नू देख के भुलेखे च ना पिया करो, क्योंकि पहरावे कई हो सकते हैं पर जीवन देने वाला जिंदगी देने वाला तो एको ही है। वृक्ष अलग अलग हो सकते हैं, फल अलग अलग हो सकते हैं, पत्ते अलग अलग हो सकते हैं, पर जिथों सब नू जिंदगी मिल रही है ताकत एको ही है कि नहीं? ये धरती तो एको ही है ना। चाहे इतने अंब का पेड़ है, चाहे इतने अमरूद का पेड़ है, चाहे इतने ऑरेंज, चाहे बनाना, चाहे किकर का पेड़ है, चाहे निम का पेड़ है, पेड़ अलग अलग है पर एनर्जी। इसलिए कोई वकील बैठा हो सकता है, कोई डॉक्टर बैठा हो सकता है पर जिंदगी देने वाला तो हुण जिहड़ा समझदार हुंदा वो एक नूं देखदा है, तो जिहड़ा ना समझ हुंदा वो एक नूं भुल जांदा तो बाकी देखदा है। इस करके असीं ना समझ नहीं बनना, असीं सारिआं ने समझदार बनना है, क्योंकि समझदार होकर ही असीं उहदी रहमत नूं हासिल कर सकते हैं। सो आओ फिर हुण परिवार वास्ते बधाइयां भी हो गईआं, जो मालक ने रहमत कीतीआं भी दसता, और इहनां वास्ते अरदास भी हो गई, और हुण सत्संग दा आनंद लैण नूं तैयार हो तुसीं। आओ फिर हम अपने दिल की तार नूं सत्संग दे नाल जोड़िए और अपने जीवन नूं आनंदमय बनाइए, अपने जीवन दे आनंद नूं होर भी बधाइए, अपने विश्वास दे लैवल नूं अप करिए, अपनी हिम्मत नूं, अपने हौसले नूं होर भी, क्योंकि सत्संग दा मतलब यह हुंदा जिथे बह के साडा विश्वास, साडी हिम्मत, साडा हौसला वधदा चला जावे। सो तैयार हो फिर, क्योंकि कल भी सत्संग जी दस्सिया सी कि फकीरां दी सोबत या वो रब की रहमत उन्हें कुछ दे सकती है। फकीरों की सोबत उसकी जिंदगी को बदलती है जो अपना जीवन बदलने को तैयार है, और खुद को तो वो ही बदलेगा जिसको आप खुद से, अपने आप को बदलता भी वही जिन्हों अपने आप नाल प्यार होता है। इसलिए ये सोच रख के बैठो कि अज मैं अपने जीवन नू बदल के जाना है। प्यार हो फिर हंस के दिखा दो, क्योंकि लोग कहते सत्संग सीरीयस होकर बैठना चाहिए, पर असं कहते सत्संग में खुश होकर बैठना चाहिए है, क्योंकि जो इतने आके खुश ना हो तो होर कितने होना है, समझते हो? मैंने इसलिए थोड़े चेहरे पर समाइल रहनी चाहिए है। कल का दिन किसने देखा है, आज का दिन भी खोए क्यों, और जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में आप खुशी का टाइम हंस लो, मुस्कुरा लो, क्योंकि थोड़े जीवन के खुशी के लैवल में भी बधाना है असं, क्योंकि रब ने सानू जिंदगी रोन वास्ते नहीं मुस्कुराने वास्ते दिती है। वह आनंद का दाता है, उन्हें सानू जिंदगी इसलिए दी कि ताकि जीवन च आनंद लै सकीए और अपने जीवन नू आनंदमय बना के दुनिया तो जाइए, क्योंकि जिस मरने ते जग डरे मेरे मने, ताकि कह सकी असी जिंदगी आनंद नाल जी है तो मरना भी आनंद नाल ही है। तो जिहड़ा जिंदगी हाय हाय करदे जींदा उह मरदा भी हाय हाय करदे, इस करके ना तुहानू जींदे जी हाय हाय करन देनी है, ना जान लगे तुम कहो जीते जी भी आनंद है, तो जो दुनिया तो जावे तो भी एक स्वाओ आनंद ना जुड़िए और मालिक की रहमत प्राप्त करके अपने जीवन होर भी आनंद में बनाइए। जय मालिका दी।